आज आप अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ पर आए हैं, तो कुछ जानकारी हम लोग आज लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आप सभी का स्वागत करते हैं और आप आए इसके लिए सब जन तालियां बजाइए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो तालियों से हम लोग इसलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे शरीर से जितने भी नर्वस सिस्टम पॉइंट्स निकलते हैं सारे अपने हाथों के ऊपर रहते हैं, हथेली के ऊपर रहते हैं और पैरों के पंजे के ऊपर रहते हैं। और हम लोग एक्यूप्रेशर का जो स्पेशल ट्रीटमेंट होता है वो, जिसको हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं, वो हाथ के पंजों के ऊपर और पैरों के पंजों के ऊपर ही करते हैं। तो ये होता है अपने पूरे शरीर को एनर्जी सप्लाई करने का जरिया। जैसे देखिए, कुदरत है ना, बहुत ही महान है, बहुत महान है। इसने इस पृथ्वी के ऊपर हमें 120 साल 150 साल जिंदा रखने के लिए ये शरीर मजबूत बनाए। तो ये शरीर इसी तरह से मजबूत रहे इसके लिए कुछ लोग इस धरती के ऊपर आज भी बहुत तपश्चर्या करते हैं। कुछ लोग हिमालय में जाते हैं, वहाँ पर सालों साल तपश्चर्या करते हैं और करने के बाद इस सृष्टि को एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और कुछ ऋषि मुनि होते हैं, वो हमने देखा है कि भगीरथ ने गंगा प्रदान की इस पूरे विश्व के लिए। तो इसी तरह से हमारे इस विश्व को हेल्थ प्रदान करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उसमें सबसे शिखर पे जो नाम आज है सागर जोशी सर का, तो मैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र है सागर जोशी सर, उनको मैं वंदन करता हूँ कि उन्होंने जो काम किया है इस पूरे विश्व के लिए सराहनीय है। और मैं पिछले 25 साल से इसी मैग्नेटिक थेरेपी में काम कर रहा हूँ और आज मेरे हजारों पेशेंट्स हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो इंडिया के बाहर भी मेरे पेशेंट्स हैं कि जिन्होंने इस थेरेपी का उपचार करके उनके बहुत सारे प्रॉब्लम जो थे उसमें राहत पाई है। तो ये सागर जोशी सर अपने सीएमडी सर है और इन्होंने इसी मैग्नेट थेरेपी के ऊपर ये प्रोडक्ट जो बनाए हैं, जो आसानी से हम लोग इसका इस्तेमाल करके रिलीफ पा सके, इसके हिसाब से उन्होंने किया है। तो हम लोग आते हैं अभी सिस्टम के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी आपके पास मशीन है ना, तो मशीन यूज़ करने का अपने पास मैनुअल होता है। आपने फ्रिज लाया हो, एसी लाया हो, तो यूज़र मैनुअल होता है। तो क्या आपके पास अपने शरीर का यूज़ करने का यूज़र मैनुअल है? नहीं है, बना है। यूज़र मैनुअल बना है और हजारों साल पहले बना है। और वो यूज़र मैनुअल हम सब लोग इस्तेमाल करते थे। भारत के लोग आराम से 100 साल जीते थे, 105, 110, 115, 150 साल तक जीते थे। ये यूज़र मैनुअल उनके पास था। आज जब अपने कंट्री के ऊपर ब्रिटिशों ने आक्रमण किया तो उन्होंने अपना सारा संस्कृति को डिस्टर्ब कर दिया और अपना सिस्टम कोलैप्स कर दिया। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। जब यहाँ पर अपने यहाँ पर ब्रिटिश का जब एक पार्लियामेंट में एक चर्चा चल रही थी, तो उसी समय उनका एक अधिकारी था, वो उठकर बीच में खड़ा हो गया, तो वहाँ पर जो अफसर थे उनको उसका गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत उसकी नाक कटवा दी और नाक कटवा के उसको मीटिंग से बाहर कर दिया। तो उस वक्त जब वो बाहर आया तो उसने बोला, अभी नाक कट गई मैं क्या करूँ, बेचारा नाक हाथ में लेकर आया था। तो जैसे ही वो बाजू में गया तो एक इंसान ने उसको बोला, क्या हो गया? तो उसने सब बताया। तो बोला, रुको मैं इसके बाद सोल्यूशन करता हूँ। तो उसने उसकी नाक जिस जगह पर थी वहीं पर रखकर उसके ऊपर लेप लगा दिया आयुर्वेद का, और एक 15 दिन के बाद उसी सिस्टम को उसने परफेक्ट कर दिया। तो उसका नाक जैसे के वैसे हो गया। तो जब वो फिर से पार्लियामेंट में गया तो वो अजीब हो गए कि अरे ये क्या है, तुम्हारा नाक तो हमने काट दिया था, वो तो अभी वैसे के वैसे दिख रहा है, ये कौन सी बात है? तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है कि जिसने मुझे ठीक कर दिया। तो उनके पूरे देश से, इंग्लैंड से सारी वहाँ के जो लोग थे वो इंडिया में आए और उन्होंने सर्च किया कि भाई वो कौन सा व्यक्ति है कि जिसने इसकी नाक फिर से लगा दी। तो वो व्यक्ति कौन था आपको मालूम है? वो व्यक्ति था हमारे इधर का एक नाई, यानी कि जो बाल काटने वाला नाई होता है ना, वो था। मतलब उसने कोई सर्जरी की अभी तक की एजुकेशन नहीं ली, कुछ भी नहीं ली। तो उन्होंने पूछा, कैसे किया? वो बोला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पूर्वजों से ये सारी चीज़ें होती आ रही है। एक दूसरे ये जो अजूबे आपको लगते हैं लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बात जो है यहाँ पर, इसके बाद में उसके ऊपर रिसर्च हुआ, सर्जरी के सारे टेक्निक्स निकाले, फिर एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट ये सब करके करके उसको कर दिया। लेकिन हमको क्या बोलना है कि सर्जरी जो है ओरिजिनली सुश्रुत ने ही हमारे इंडिया से शुरुआत की थी। हमारे यहाँ बहुत सारे नामी दिग्गज लोग हैं। तो इसी तरह से ये मैग्नेटिक थेरेपी जो है आज सालों साल चलता आ रहा है।
तो करीब करीब जब ये पृथ्वी का जन्म हुआ तभी से ये मैग्नेटिक फील्ड का भी जन्म हुआ है, और वो हमें हर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है कि वो बढ़े, उनका ग्रोथ हो और उसमें ग्रोथ आए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे हेल्दी रहने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, सनलाइट चाहिए, और मैग्नेटिक एनर्जी सबसे ज़बरदस्त है, वो चाहिए ही चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग अभी वन बाय वन सारे रिसर्च जो पिछले 25 साल में मैंने जो किए हैं वो आपके सामने मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि ये जो स्पीड है, मतलब 107,000 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अपना जो स्पीड मैक्सिमम हम लोग जब देखते हैं फोर व्हीलर का, तो 120 स्पीड में हम लोग जाने लगेंगे तो ऐसा सब हिलने लगता है, कान में आवाज़ आने लगता है। तो ये तो ट्रिमेंडस स्पीड है। तो ये स्पीड जो है एक खतरनाक अजूबा क्रिएट करता है हमारे सारे लोगों के ज़िंदगी में। तो ये कैसे हम लोग देखेंगे, आपने कभी फ़ैन को घूमते हुए देखा है, आपको हर पत्ते उसको हर आपको दिखते हैं, लेकिन इस फैन का स्पीड बढ़ जाएगा तो आपको उसका एक भी ब्लेड नहीं दिखेगा, आपको सीधा आर पार दिखेगा। मतलब ये स्पीड की ताकत है, और ये ताकत जो है, छोटा सा स्पीड में आपको बताता हूँ जो हमने हमारे स्कूल में सीखा था। हमने कंघी हाथ में ली और कंघी बार बार बालों में घुमा दी, और उसके बाद में हमने छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उससे स्पर्श किया तो क्या होता है, आप सभी ने स्कूल में देखा है, वो पकड़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन पावर इस छोटी सी कंघी में आपके बाल में घुमाने से आते हैं। तो इतना ट्रिमेंडस जो स्पीड है, और वो स्पीड क्या करता है, ये पृथ्वी का घूमने का स्पीड है। आज हम देखते हैं कि हमें तो कुछ हिलता हुआ नज़र नहीं आता है, हम लोग दिन सुबह उठते हैं वही जगह है, शाम को जाते हैं वही जगह, वही घर, वही ऑफिस, वही जगह, लेकिन इसका जो स्पीड है 107,000 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होता है, इसीलिए ये दिन और रात होती है, क्योंकि पृथ्वी अपने आजू बाजू में घूमते घूमते सूरज के बाजू में भी घूम रही है। तो इसका जो असर है उसके पेट में होता है। पेट में क्या होता है, जैसे आज हम देखते हैं कि पृथ्वी के पेट में प्रचंड लावा रस है। आज जापान, चाइना, इस कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी लावा का उद्रेक होता है। जब वो लावा इरप्शन होता है तो कई किलोमीटर जगह तक जो है इस तरीके से सब जगह पर आग ही आग फैलती है। तो ये लावा जो है किस तरीके से बना है, तो सिंपली आप जानते हैं जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये पृथ्वी एक आग का गोला थी। जैसे जैसे ठंडी ठंडी होती गई यहाँ पर मिट्टी आई, पत्थर आए, लेकिन अभी भी पेट के अंदर आप डीप जाएंगे तो वहाँ पर ये सब लावा है। और लावा ये ट्रिमेंडस स्पीड से जब ये पृथ्वी घूमती है तो घोलता रहता है, और इसी घोलने के कारण एक फ्रिक्शन तैयार होता है, और वो फ्रिक्शन से तैयार होती है एनर्जी, और जो एनर्जी हम सबको लाइफ टाइम जिंदा करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसी को कहते हैं मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो ये फ्रिक्वेंसी पृथ्वी के पेट से आती है, तो आप जाहिर सी बात है तो पृथ्वी के पेट से आएगी तो हमें उसको लेना है, हमारे शरीर में उसको इंडक्ट करना है। तो सबसे पावरफुल लेयर कौन सा होगा, सिंपल है, मिट्टी। क्योंकि हम यदि मिट्टी के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो ये सारा पावरफुल लेयर हमको मिलता रहेगा। आज ये पावर तो हमको मिल नहीं रही है, मतलब एक तरह से हमारा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है क्योंकि पावर हमें डिस्ट्रैक्ट हो गई है। और दूसरी ओर हम देखेंगे तो अभी पॉल्यूशन, बिल्डिंग्स और ये सब सारी जो चीज़ें आप देखेंगे कि पॉल्यूशन जो है वो सब जगह पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बिल्डिंग्स बढ़ रहे हैं, उसमें से बहुत सारे आयरन जो है, मतलब हम लोहे के जंगल में हम फंसते जा रहे हैं, और पेस्टिसाइड जो है वो सब हमारे खाने में आ रहा है, तो जिसकी वजह से अंदर से हमारी बॉडी खोखले होती जा रही है, और हमारे जो घर है जो नेचुरल होने चाहिए वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे ना उनके घर में सारी चीज़ें जो थी आप जानते हैं लकड़ी की थी, टेबल, कुर्सी, पलंग, इतना नहीं घर का छत भी था वो लकड़ी का था। ये क्यों था, क्योंकि कुछ नॉलेज उनके पास जो था, जो ब्रिटिश लोगों ने ये बीच की जो एक टाइम चला गया उसमें सब उसने वैनिश कर दिया, तो उनको मालूम था कि मैग्नेटिक एनर्जी जो है जो अर्थ से आ रही है वो हमको अर्थ से मिलनी चाहिए, इसलिए घर में उन्होंने फर्श नहीं बिछाए थे, सीधे ज़मीन के ऊपर वो लेटे थे। और लोहा अपने आजू बाजू में रहेगा तो लोहा ये पावर वातावरण से अपनी और स्पीड से खींच लेगा और अपनी बॉडी को वो मिलेगी नहीं। देखिए हमारे बॉडी में भी लोहा है, खून के हर एक कतरे में
हीमोग्लोबिन है जिसमें 0.5% आयन है, और यही आयन जो है वातावरण में मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड तो लेता ही है, लेकिन जब हम जमीन पर नंगे पैर चलेंगे तो इस जमीन से आने वाली जो पावर है वो आसानी से ग्रैब करता है। इसलिए हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ है, बीपी है, किडनी प्रॉब्लम है, तो हम उनको सलाह देते हैं कि एटलीस्ट दिन में एक घंटा तो नंगे पैर जमीन के ऊपर चलो, जैसे हम लोग मराठी में बोलते हैं दुधाची तान ताकावर भागवायची। एक्चुअली आपको 24 आवर्स इस अर्थ के कनेक्शन में रहना चाहिए। आज देखिए जितने भी जंगली जानवर हैं ना, आज वो 24 आवर्स नंगे पैर ज़मीन के ऊपर चलते हैं, उनको बीपी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, किडनी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें आज वो बढ़ रहे हैं। आज इतना बढ़ रहे हैं कि लिमिट के बाहर, कुछ सालों पहले हमारे पास डायबिटीज़ के मरीज बोलना पड़ता था, अरे उसको डायबिटीज़ है, आज हर बिल्डिंग में जाओ खचाखच भरे डायबिटीज़। कैंसर ढूंढना पड़ता था, जब फॉर्म भरते थे ना तो लिखते थे कि इसके आजी को कैंसर है, उसके आजोबा को कैंसर है, लेकिन अभी कैंसर भी बहुत अनलिमिटेड हो गया है। तो इसका राज हमें देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज देखिए हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, मेडिकल्स बढ़ रहे हैं, हर गली पर मेडिकल्स है, आज जितने किराना दुकान नहीं है उससे ज़्यादा मेडिकल्स दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग खाना कम खा रहे हैं और दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सोल्यूशन नहीं है। हम जितना दवाइयाँ खाते रहेंगे अपना जो बॉडी है ना पूरा डिस्ट्रैक्ट होते जाएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब देखिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल से डेथ होके घर में आता है ना, तो उसको रैपिंग करके देते वक्त ही डॉक्टर बोलते हैं इसको जल्दी से जला दो, नहीं तो उसमें से पानी निकलने लगेगा, उसमें से बैक्टीरिया स्प्रेड होने लगेंगे। लेकिन जो आदमी घर में मरता है ना उसको आप दो दिन भी रखो कुछ नहीं होता है। ये ही रीज़न है कि अपनी बॉडी जितनी भी केमिकल से वो हम उसको इंजेक्ट करते जाएंगे वो और डैमेज होती जाएगी, और हमारे बॉडी का हर एक सेल इतना कमज़ोर बनेगा कि जिसका एग्जांपल आपने कोरोना काल में देखा है। देखिए जिनको जिनको कोरोना हुआ उसके बाद में आप देखें उनको ब्लैक फंगस हो रहा था, आँखों को इन्फेक्शंस हो रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा था? एक ही रीज़न था, जब कोरोना हुआ किसी को मालूम नहीं था कि इसके ऊपर मेडिसिन क्या देना है, हर डॉक्टर अपने अपने तरह से, कोई उसको मलेरिया का ट्रीटमेंट दे रहा था, कोई उसको मतलब ओनली फीवर कंट्रोल करना है या उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए इसके लिए एंटीबायोटिक्स देना है, तो अलग 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 तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा था, उसमें सिर्फ बॉडी के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। एक्चुअली हमारी इम्यून सिस्टम यदि परफेक्ट होती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हालांकि जो लोग सिंपल छोटी छोटी उन्होंने दवा ली और गरम पानी लिया या कुछ पुदीनारा जैसे कुछ गोलियां हैं जिसमें कापूर ओवा नीलगिरी पुदीना ऐसा होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं नेचुरल है वो लोग रिकवर हुए, लेकिन जिन्होंने जितने हाई एंटीबायोटिक्स लिए उनकी बॉडी इतनी कमज़ोर हो गई कि उनको आँखों में इन्फेक्शंस आने लगे। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि अपने बॉडी को मेडिसिंस दे के खोखला नहीं बनाना है, उसको 100 साल जीने के लिए मजबूत रखना है। तो इसके लिए क्या करना है ये हमें देखना है। तो मैग्नेटिक पावर क्या करती है, तो वेरी सिंपल थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि जब पृथ्वी से आती है मैग्नेटिक पावर तो हमारे शरीर में उसका जब प्रवेश होता है तो हमारे बॉडी में नेचुरल मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी बैलेंस हो जाती है और हमारा शरीर भी इलेक्ट्रिक वोल्टेज के ऊपर चलता है। आप वेरी सिंपल देखिए, कोई भी मशीन है तो उसको चलने के लिए डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए या कुछ न कुछ एनर्जी चाहिए। तो इसी तरह से हमारे शरीर में ये जो एनर्जी है जो अर्थ से आती है वो आज कम हो रही है, क्योंकि हमने हमारे शरीर में क्या कर दिया, घर में फर्श बिछा दिया, रस्से पर डांबर डाल दिया और पैरों में जूते डाले बिना कहीं पर भी नहीं घूमते, यानी कि स्ट्रेट वे ये हमें पावर नहीं मिल रही है। जब ये पावर का हमने कुछ एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया तो क्या हमको मिला वो मैं बोलता हूँ। सबसे पहले तो हमने कुछ पौधों के ऊपर उसका रिसर्च किया, जब हमने पौधे लिए जिनको मैग्नेट का पानी दिया और सादे पौधे थे जिनको नॉर्मल पानी दिया, तो हमने पाया कि जिन पौधों को मैग्नेटिक वाटर दिया तो इतने फास्ट ग्रो हो गए और उनको किसी भी तरह का फंगस नहीं लगा या किसी भी तरह के जीव जंतुओं का उनके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ। और एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे ई बायोट्रिम टीम में हमारे एक मैडम है तो जिनके घर में एक मोगरे का झाड़ होता है, तो जब उन्होंने मोगरे का झाड़ परचेस किया, मतलब जिसको हम लोग रोप बोलते हैं, तो जब प्लांट उन्होंने परचेस किया तो लेते समय 2-3 फूल उसके ऊपर थे, लेकिन उसके बाद में उसको फूल आना बंद हो गए। 3 महीने उन्होंने उसको रेगुलरली पानी दिया, खाद दिया, सनलाइट भी दिया, लेकिन फिर भी उसको फूल नहीं आ रहे थे। तो जब हमारी उनसे पहचान होती गई थी और हमने उनको ई बायोट्रिम का एक प्रोडक्ट दिया हुआ था, तो तभी उनके माइंड में उन्होंने ऐसे ही लेक्चर में सुना कि अरे डॉक्टर साहब तो बोल रहे कि ये
पौधों के ऊपर काम करता है, एनिमल्स के ऊपर काम करता है, तो क्यों ना हम उसके ऊपर रिसर्च किया जाए। देखो आप हर किसी को अपने अपने दिमाग को चलाना है, एक सिस्टम आपको दिया है, लेकिन ये सिस्टम कैसे काम करता है ये अलग अलग तरीके से आप खुद उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना जो मैग्नेटिक वाटर बेल्ट है जो बीच में आपको दिख रहा है, वो पानी को बॉटल को लगाया हुआ था, तो उन्होंने वो पानी आज तक खुद पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्होंने वो पानी जब उस मोगरे के प्लांट को डाला तो आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे, 10 दिन के बाद पूरे प्लांट को फूल भर गए, इतना ज़बरदस्त उसका रिजल्ट था। तो ये जो कयामत है, ये पृथ्वी की पावर है, ये एनर्जी है। आज क्या है कि हम सिविलाइजेशन में आ गए हैं और इसके वजह से हमने हमारे शरीर को उसको डिटैच कर दिया है, हमको फिर से लेना है। हमने यही रिसर्च हमने रैबिट के ऊपर किया था, मतलब ससा हम लोग जो बोलते हैं ना उसके ऊपर हमने क्या किया, एक पिंजरा बनाया जो लोहे का पिंजरा था और दूसरा एक पिंजरा बनाया जो लकड़ी का पिंजरा बनाया, और लकड़ी के पिंजरे में नीचे मैग्नेट बिछा के रखे। तो उसके बाद हमने हर दिन हम उसको रिसर्च कर रहे थे, तो हमको 3 महीने के बाद ऐसे पता चला कि जो लोहे के पिंजरे में रखे हुए रैबिट से वो नॉर्मल पिंजरे के रैबिट से ज़्यादा स्ट्रांग थे और बहुत एक्टिव थे। और बाद में धीरे धीरे हमने देखा तो उनका ये नॉर्मल रैबिट मरने के बाद भी वो रैबिट जिंदा थे। मतलब यही रिसर्च आज आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड प्रूव हुआ है कि चूहों के ऊपर भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने रिसर्च किया हुआ है। तो उन्होंने लिख के रखा है कि चूहों को यदि मैग्नेटिक पावर दी जाए तो उनकी उम्र 1.5 गुना बढ़ती है, और इतना ही नहीं उनके लास्ट टाइम में भी उन्होंने नए चूहों को जन्म दिया। इसका मतलब उनके शरीर के पूरे सिस्टम्स, हार्मोन्स, एवरीथिंग वेयर परफेक्ट, मतलब इतना मिराकुलस रिजल्ट है इसका। तो हमको यही देखना है कि यदि इतनी पावरफुल एनर्जी है तो हमने आज तक उसके बारे में कहीं सुना क्यों नहीं, क्या है? हमने सुना, आप देखो पहली बार जो है ना इंडिया में बाहर से भी प्रोडक्ट आते थे, शायद यहाँ पर बैठे हुए 50% लोग जानते होंगे कि 1 लाख रुपये में ये सिस्टम इंडिया में कुछ सालों पहले लाया था, क्योंकि उनको मालूम था इसकी पावर कितनी है। देखिए ये पावर के वजह से किसी का पैरालिसिस उसमें रिलीफ आ जाता है, किसी के डायबिटीज़ में कंट्रोल आ जाता है, किसी के बीपी में कंट्रोल आ जाता है। तो इसकी तो वैल्यू नहीं है, इनवैल्यूएबल, अनमोल चीज़ है। तो सिर्फ क्या है कि इसको एक सिस्टम से अपने पास आना चाहिए, वो काम सागर जोशी सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। और यही काम पिछले 25 साल से मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि हर तरह के पेशेंट्स मेरे पास है, बीपी के, डायबिटीज़, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, बैकएक, यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स भी आज मेरे सामने हैं कि जिन्होंने इस सिस्टम के द्वारा बहुत अच्छा फ़ायदा लिया हुआ है। तो ये सिस्टम जो है एग्जैक्टली बॉडी में क्या करती है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। आज हम देखेंगे कि हम बोलते हैं कि इसको बीपी हो गया, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, वेरी सिंपल, क्यों आ रहा है बीपी? आज अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर, जैसे हम देखते हैं कि पानी की बॉटल जो है ना उसमें यदि पानी हिलता रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया जल्दी नहीं होंगे। आज सिंपल देखो, अपने हाथ घर में कोई मग रहेगा पानी का, वो यदि पानी के बकेट में पड़ा रहेगा 2 दिन, एक ही दिन पकड़ो, दूसरे दिन आप देखेंगे उसके ऊपर चिकना चिकना वो लेयर आ जाता है। इसी तरह से अपने बॉडी में भी यदि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो उसमें जो टॉक्सिन्स कंटेंट्स है, उसमें ऑयल कंटेंट्स है, वो बढ़ जाएंगे, तो खून का थिकनेस बढ़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड विस्कोसिटी। और जब ये ब्लड विस्कोसिटी बढ़ती है तो नॉर्मल खून का जो अपना टेक्सचर है उससे वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो उसको आगे ढकेलने के लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और जब हम इसको ट्रीटमेंट करने के लिए दवा लेते हैं वो सिर्फ ये ब्लड जो है पतला करने की दवाई दी जाती है और कुछ नहीं है, हार्ट को कोई एनर्जी नहीं दिया जाता है। तो आर्टिफिशियली ब्लड को पतला नहीं करना है, अपने को नेचुरली इसको पतला करना है। तो वेरी सिंपल थिंग हम लोग सोच सकते हैं, यदि पौधे के ऊपर इस मैग्नेटिक पानी का जादुई इफेक्ट हो सकता है तो निश्चित रूप से अपने शरीर में क्या ट्रिमेंडस रिजल्ट हो सकता है। आज मैं एक एग्जाम्पल दे दूंगा, यहाँ पर प्रशांत वड़ावकर सर है मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए, इनके हार्ट का जब ऑपरेशन हुआ था तो 3 साल तक सर बोलेंगे उसको कोई सेंसेशन नहीं था, उसको कोई नीडल्स भी चुबाएंगे ना तो उनको सेंसेशन नहीं होता था, लेकिन जब उन्होंने इस मैग्नेटिक सिस्टम का यूज़ करना शुरू कर दिया तो मतलब आप सोचेंगे नहीं, 3 महीने के अंदर उनको सेंसेशन आया है। तो
ये होती है कुदरत की पावर। देखिए आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे रिसर्च ऐसे डायबिटीज़ के ऊपर भी जो है ना, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपने वीडियोस देखे होंगे कि जब थाली में है ना सब करेले का जूस और कड़ू नीम का जूस थाली में रखा जाता है और उसके ऊपर सिर्फ पैरों से ऐसे जब हम लोग रखते हैं तो चंद मिनट में ही ना कड़वा स्वाद हमें जीभ में आ जाता है। इसका मतलब अपनी बॉडी हर चीज़ को एब्सॉर्ब करती है। ये तो लिक्विड है लेकिन ये जो मैग्नेटिक पावर है ना इनविजिबल है, उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। आप पत्थर के आर पार करोगे तो भी पावर जाएगी, लकड़ी के आर पार भी जाएगी, अपने बॉडी के आर पार भी जाएगी। यहाँ पर छोटा सा आपको दिखेगा नहीं लेकिन बाद में आप अपने अपलाइन सब से देख सकते हैं कि जब एक हाथ के ऊपर हम मैग्नेट रखते हैं छोटा टुकड़ा और दूसरा मैग्नेट नीचे से यदि हम लोग साउथ नॉर्थ टर्न अप करेंगे तो ऊपर का जो मैग्नेट है ना उल्टा सुलटा होता है। इसका मतलब इसकी जो किरणें हैं अपने शरीर के आर पार गई हुई है। जब आर पार गई है तो हड्डियाँ मांस खून पेशी सबके आर पार जाने के बाद अपने शरीर में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कंटेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन पार्टिकल्स। आयरन, यही आयरन जो है ना ये क्या मिराकल करता है, आपने कभी सफरचंद काटा हुआ देखा है क्या होता है? काला पड़ जाता है। लोहे की चीज़ आपने पानी में डुबोकर बाहर रखी तो क्या होता है? उसके ऊपर रस्टिंग हो जाता है, जंग चढ़ता है। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होता है कि वातावरण में जो हवा है ऑक्सीजन है उसके साथ उसका घुलाव होता है और इसी के वजह से हम जानते हैं कि अपने शरीर को शरीर के अंदर जो खून का रंग है वो लाल है। वो लाल इसीलिए है क्योंकि अपने शरीर में जो लोहा है उसका ऑक्सीजन के साथ जब घुला होता है तो वो प्रॉपरली हर एक पेशियों तक वो सप्लाई करता है और हमारी पेशियाँ जो है ना ये ऑक्सीजन जो ब्लड में डाइल्यूटेड है वो लेना जानती है और ये ऑक्सीजन जितना मिलेगा हम लोग उतने हेल्दी रहेंगे। कोरोना में हमने देखा लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्यों मरे? ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मरे। तो ऑक्सीजन वातावरण में है लेकिन आपके शरीर की कैपेसिटी चाहिए कि वो ऑक्सीजन अपने बॉडी में लेने की। ये हवा में कौन से वायु है? सिर्फ ऑक्सीजन है क्या? ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब है लेकिन एग्जैक्टली ऑक्सीजन लेना है ये अपने शरीर को कैसे पता चलता है? ऑक्सीजन ही कैसे लेता है? वेरी सिंपल थिंग, इसका भी बेसिक कंटेंट है आयरन। आयरन ही है जो ऑक्सीडेशन करता है। जब हम नाक से हवा लेते हैं तो ये हवा जब हमारे लंग्स में आती है तो लंग्स में आने के बाद ये प्रॉपरली ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीजन के साथ घुला होके दिस इज डायल्यूटेड ऑक्सीजन इन आवर ब्लड जब आगे आगे जाता है तो हर एक पेशियों तक पहुंचता है और इसी तरह से अपने शरीर के हर एक पेशियों को विटामिन्स प्रोटीन्स मिनरल्स सप्लाई ओनली रिसीड्स फ्रॉम द ब्लड और ये ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हर एक पेशी अपनी जो है वो मजबूत हो जाएगी। अपने सेल्स मजबूत होते हैं तो नेचुरली ऑर्गन्स भी मजबूत होते हैं और पूरी बॉडी जो है अपनी सशक्त रहती है यानी कि फिर से हम लोग 120 साल आराम से जी सकते हैं। मतलब चूहों के ऊपर जो रिजल्ट आया वो सेम रिजल्ट हमारे ऊपर भी आने वाला है क्योंकि हम लोग भी एनिमल्स है। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग देखते हैं। तो अभी ये जो आगे के प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट बनाने के ऊपर अभी कुछ साइंटिफिक रिसर्च है। जैसे देखिए इतना तो हमको पता चला कि मैग्नेटिक पावर एक वंडरफुल एनर्जी है जो नेचर ने हमको भर के दी है और मुफ्त में दी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले भी जो है ना ये ट्रीटमेंट 5000 साल पहले जब होती थी मैग्नेट की तब मैग्नेट के पत्थर मिलते थे। तो ये पत्थर कैसे मिलते थे? तो ज़मीन के अंदर आप जाएंगे कि जिस मिट्टी में ज़्यादा आयरन है क्योंकि आयरन इज़ द ओनली कंटेंट इन दिस वर्ल्ड विच रिसीव्स द मैग्नेटिक पावर। और थोड़ा सा मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड बहुत से लोगों का उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि सिंपल एक ही रूल है कि आप कोई भी चीज़ यदि आपके हाथ में है और आपने उसको छोड़ दिया तो वो नीचे गिर जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण। और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये ओनली मैग्नेट को ही अट्रैक्ट करती है और ये अर्थ में फ्रिक्शन होने के कारण क्रिएट होती है। तो ये फील्ड जो है मैग्नेट्स इसको यदि हमको लेना है तो जितना हो सके मिट्टी के साथ में कनेक्टेड रहना है। लेकिन आज हमको ये पॉसिबल नहीं है, हम घर से फर्श नहीं निकाल सकते, रस्से से डांबर नहीं निकाल सकते और पैरों में जूते डाले बिना घूम नहीं सकते। तो हमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल सपोर्ट लेना पड़ेगा। आज हमें यदि विटामिन प्रोटीन मिनरल की कमी है तो हम लोग क्या करेंगे? उसके कैप्सूल्स लेंगे, सिरप लेंगे और फिर से बैलेंस करेंगे। मैग्नेट लेना है तो फिर से हमको आर्टिफिशियली लेना पड़ेगा और वो मैग्नेट की पावर है जो पूरे शरीर के आर पार जाती है। जैसे एक कहा जाता है कि हर किसी ने पारस के बारे में सुना होगा,
पारस क्या करता है, लोहे को लगाएंगे तो वो सोना बना देता है। हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लेकिन पारस शायद किसी ने नहीं देखा है। लेकिन ये चुंबक जो है ना, ये नेचुरली पारस है। जब ये अपने शरीर को लगता है तो अपने शरीर के लोहे को वो एक्टिवेट कर देता है, उसमें पावर इंडक्ट कर देता है और उसका सर्कुलेशन प्रॉपर करता है। ये इंडक्शन ऑफ पावर का मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सभी ने स्कूल में एक चीज़ देखी होगी, हमने ऊपर मैग्नेट पकड़ा है और नीचे उसको नीडल्स लगा दी, टाचनी हम लोग बोलते हैं, तो वो एक दूसरे को देखो पकड़ते हैं और ऊपर का मैग्नेट निकालने के बाद भी है ना कुछ समय वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। मतलब क्या होता है कि जो लोहा है उसने वो पावर अपने में धारण कर लिया। इसको कहते हैं इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म। सेम थ्योरी है, अपने शरीर में भी जो खून है ना वो एक जगह पर रुका नहीं है। जो ब्रेन में एक बूंद है वो कुछ समय के बाद पैर में आने वाला है, हार्ट में आने वाला है, आँखों में जाने वाला है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक पावर इंडक्ट करके वो चार्ज होने वाला है, वो पूरे शरीर पर भ्रमण करते हुए हर एक सेल को एनर्जी प्रदान करने वाला है। एंड दिस इज द पावर। हम देखते हैं, आपने सभी ने इस नेचर में कोई ऐसा एनिमल देखा है क्या कि जिसके शरीर से लाइट आती है? देखा है किसी ने? देखा है किसी ने कोई ऐसा कीटक प्राणी एनिमल जिसके शरीर से लाइट आता है? यस, काजवा, जुगनू। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें है, लाइट जो है, वो कहाँ से लेता है? चार्जिंग किधर से करता है? चार्जिंग नहीं करता है, क्योंकि सब एनिमल्स की एक एक जो ऑर्गन्स है ना एक विशेषता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि चीता 120 किलोमीटर स्पीड से दौड़ता है, ये जुगनू के अंदर लाइट प्रदान करने की एनर्जी है। हम सब में वही एनर्जी है। हम भी यदि हमारे बॉडी का प्रॉपर सर्किट करेंगे तो हम भी एक LED बल्ब हर व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा है वो जला सकता है। और आपने आजकल आपने देखा होगा स्कूल में जो बच्चे हैं ना, छोटा सा पोटैटो है ना, पोटैटो, उसको भी सर्किट बनाते हैं साइंस के इसमें एग्जांपल्स में, और उसमें भी LED बल्ब जलाते हैं। तो हम तो पूरा मशीन है, क्योंकि देखो जब भी बाहर ठंडी होती है ना तो ऑटोमेटिक अपने बॉडी का टेम्परेचर हॉट हो जाता है और हम उसको बैलेंस कर देते हैं। जब बाहर बहुत गर्मी होगी तो देखो हमारे शरीर से पसीना आता है, उसको हवा लगती है, स्किन उसकी वजह से ठंडी हो जाती है, और हम शरीर को हाथ लगाएंगे तो अपने को ठंडा लगेगा। मतलब दिस इज़ द होम्योस्टेसिस इफेक्ट। एवरी सिचुएशन को जीने के लिए ये अपना शरीर मजबूत रखता है। ये पंचतत्वों की ताकत है, और इसी पंचतत्वों में सबसे पावरफुल एनर्जी है ये मैग्नेटिक फील्ड। और ये नहीं मिलेगी तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। इसका एग्जांपल ये जो आप देखे, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जब चांद के ऊपर जाते हैं या मंगल ग्रह के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, और इसी तरह से वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं है। तो जब मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पर नहीं होता है तो अपने शरीर के जो आयन पार्टिकल्स है, हर एक बूंद में जो है उसका सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, उसमें एनर्जी स्टोर नहीं हो पाती है, और जिसके वजह से अपने ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, आदमी एक्सपायर हो सकता है, कोमा में जा सकता है। तो इसीलिए वो जो सूट डालते हैं ना उसमें ऐसे ही मैग्नेट्स डाले हुए हैं जो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, नियोडियम मैग्नेट्स, कि जो इस पृथ्वी पर जो भी मैग्नेट बनते हैं सबसे पावरफुल मैग्नेट होते हैं, जिसको किंग ऑफ मैग्नेट कहा जाता है। और ये एक मैग्नेट जो है इस सूट में होते हैं, जिसकी वजह से वो सारा रिसर्च करके फिर से धरती के ऊपर आ सकते हैं। तो ये किंग ऑफ मैग्नेट जो बनते हैं वो भी नेचुरली है। इसका नाम आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं रेयर अर्थ बायपोलर नियोडियम नेचुरल मेडिकल ग्रेड मैग्नेट्स। अभी सिंपल देखो, रेयर अर्थ यानी कि क्या, जमीन, रेयर यानी कि बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत आसानी से नहीं मिलते। तो कौन से मैग्नेट होंगे? तो सिंपल लॉजिक है, लोहा ऐसा एकमेव घटक है इस पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट की पावर को ले सकता है, उसके अलावा सोना, चांदी, पीतल कोई भी नहीं ले सकता है। तो ऐसा मिट्टी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के पेट के अंदर सभी तरह के धातु है, निकेल है, ब्रोमाइड है, क्रोमियम है, आयरन है, सब है, सोना है, चांदी है, पीतल, सब कुछ है। लेकिन उसमें स्पेशली ऐसे मिट्टी में जिधर ज़्यादा आयरन है, वो जब ये मैग्नेट की पावर अपने में धारण कर लेते हैं पृथ्वी से आने वाली, तो वो मिट्टी बन जाती है मैग्नेट, एंड दैट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। और इसी मैग्नेट से सालों साल ट्रीटमेंट होता आ रहा था, जहाँ पर भी दर्द रहेगा वहाँ पर ये मैग्नेट लगाएंगे तो दर्द चमत्कारिक रूप से गायब हो जाता था। जहाँ पर भी खून आता था वहाँ पर ये मैग्नेट के पत्थर लगा देते थे तो वहाँ पर खून आना बंद हो जाता था। उसके अलग अलग पोल है, साउथ पोल है उसकी एनर्जी ठंडी होती है, और नॉर्थ पोल है जिसकी एनर्जी गर्म होती है। तो ये मैग्नेटिक ट्रीटमेंट हजारों साल से होता आ रहा था, तो अभी ये बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया है
कि आपको इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसके हज़ारों बुक्स हैं, आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड आपको इसका स्टडी देखने को मिलेगा, आपको खुद अभी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये जो पावर है इसको आसानी से अपने घर तक आना चाहिए। जैसे देखो पहले अपन देखते हैं कि मिठाचा सत्याग्रह झाला होता, यानी कि नमक अपने को आसानी से मिलना चाहिए, उसके लिए सत्याग्रह हुआ था। जैसे भारत में है ना, पहले पत्थर के मतलब नमक के है ना बड़े बड़े पर्वत थे, जैसे हम लोग जिसको सेंधोलोन असं मराठी मध्ये आपण म्हणतो, किंवा जिसको हम लोग बोलते हाँ रॉक सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते। तो ये सारे जब फालनी हुआ अपना देश का हिंदुस्तान का, जब पाकिस्तान में ये सारे पर्वत चले गए, तो अभी हमको पाकिस्तान से ये सारे रॉक सॉल्ट परचेस करने पड़ते। तो इसी तरह से हमको क्या है कि ये सिंप्लीफाइड मैग्नेटिक पावर है, आज हमको सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है, सिस्टम से डाला हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो ये आदमी सोया है, अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर SN लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे हर एक पेशियों को, हर एक पेशी में साउथ एंड नॉर्थ दोनों पावर है। जब कोई भी बल्ब जलता है तो साउथ नॉर्थ उसको कनेक्ट होना चाहिए। तो हमारे शरीर के भी सेल्स को यदि चार्ज करना है तो सिर्फ साउथ नहीं चाहिए और सिर्फ नॉर्थ नहीं चाहिए। जब मैं 25 साल से ट्रीटमेंट करता था तो मैंने एक स्पेशल मैग्नेट्स मैंने बनाए थे इंडिया में, जो एक ही सरफेस में आधा साउथ और आधा नॉर्थ ऐसे मैंने बनाए थे, तो जिसको हम लोग बोलते हैं बाईपोलर मैग्नेट और सिंगल सरफेस। लेकिन फिर भी उसकी जो पावर थी वो 5000 गॉस पावर नहीं हो सकती थी, क्योंकि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि इतने हाई पावर मैग्नेट बना सके। तो आज ये जो इम्पोर्टेड मैग्नेट्स है जो सिर्फ जापान, कोरिया और यहाँ से यूएस में यहाँ से जो मैग्नेट आते हैं ना, तो वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी है जो ये रेयर अर्थ मैग्नेट का बटन बना देते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं तो स्टील जैसे आपको दिखता है। लेकिन ये हाई पावर मैग्नेट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर करीब करीब 1 किलो का मैग्नेट आप बनाएंगे इंडियन मैग्नेट, तो उसकी पावर सिर्फ एक बटन में सेट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि जितना नैनो पार्टिकल आप करेंगे उतना आपको असर ज़बरदस्त हो जाएगा। पहले आयुर्वेदा था, अभी एक्सट्रैक्शन हो गया, पहले सिर्फ पाउडर और काढ़ा बनता था, लेकिन अभी एक्सट्रैक्शन करेंगे तो एक छोटी सी गोली भी आपको एक मुट्ठी भर कोई भी आयुर्वेदिक की दवा है तो उसका रिजल्ट देती है। तो सेम थिंग ये नैनो टेक्नोलॉजी के जो बटन्स है, ये साउथ नॉर्थ इस तरीके से बिठा है कि जब आदमी उसके ऊपर बैठेगा लेटेगा तो ये पावर ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर जाएगी और पूरा शरीर जो है अपना चार्ज हो जाएगा। जैसे जुगनू चमकता है ना, वैसे अपना शरीर चमकने लगेगा। मतलब ये कैसे, अपने फेस के ऊपर एनर्जी आती है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने को शुरू कर दिया है तो कुछ दिन के बाद बोलते हैं अरे आपका चेहरा चमकने लगता है। आज अपने पास एक किशोर सर बोल के आते हैं, उनके आज नहीं आए, तो उनके चेहरे के ऊपर पूरे ऐसे ब्लैक मार्क्स थे, लेकिन जब भी उन्होंने ये मैग्नेटिक वाटर उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया और सिस्टम के ऊपर सोना शुरू कर दिया तो लिटरली 15 दिन के अंदर उनके मार्क सारे निकल गए। ऐसा क्यों होता है? तो वेरी सिंपल थिंग है, अपने शरीर में जो डेड सेल्स है उसको निकाल के फेंकना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लगती है ताकत, प्रेशर। तो ऐसी कोई प्रेशर चाहिए जो अपने शरीर के आर पार जा सके, एंड डेट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी हमको आसानी से मिल सके। क्या है कि आपको समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इंडिया में भी बहुत सारे इक्विपमेंट इसके पहले इंडियन मैग्नेट के हिसाब से आए, कमर के बेल्ट है, घुटनों के बेल्ट है, सरदर्द के बेल्ट है, लेकिन क्या हुआ वो हम लोग जब नए परचेस करते थे तो यूज़ करते थे, बाद में 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, याद में नहीं रहता था, या कुछ हम लोग उसको कंटाला कर देते थे और इक्विपमेंट जगह पे और बीमारी उसी तरह वहीं पर रहती थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए स्लीपिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि हर आदमी ज़िंदगी में सोता ही है। यदि कोई आदमी 60 साल जिया है तो हम लोग आँख बंद कर बोल सकते हैं वो आदमी 20 साल सोया है। तो उसका वही सोने का जो समय है यदि हम लोग ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और कंसिस्टेंसी में एक ताकत होती है। जैसे आप देखो, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप 4 दिन करेंगे, 5 दिन गैप करेंगे, बाद में वापस 10 दिन करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, तो अपने को तो उसका जो रिजल्ट है वो हमको नहीं मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो यही कंसिस्टेंसी जो है हमको चाहिए। तो मैग्नेटिक मैट्रेस इज़ अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, आप उसके ऊपर सोते रहो, एनर्जी लेते रहो। और दूसरा, पानी जो है आप जब पीना शुरू करेंगे तो ये पानी जो है अपने शरीर में जब अंदर से जाएगा तो हर एक सेल को वो चार्ज करता जाएगा। और एक रिस्ट बेल्ट दिया है, जो रिस्ट बेल्ट आप हाथ के ऊपर बांधते हो तो पूरा आपके शरीर में एनर्जी ऑटोमेटिकली आती है। तो अभी यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये वाटर बेल्ट है,
ये सिंपली किसी भी पानी के बॉटल को हम लोग रैप कर देते हैं, तो इसकी किरणें जब पानी के अंदर जाती है तो वो पानी माइक्रो क्लस्टर वाटर बन जाता है, और पानी का ये माइक्रो क्लस्टर होने के कारण से हर एक सेल को वो एब्सॉर्प्शन आसानी से होता है, और जो रिजल्ट हमने पौधों के ऊपर देखा, एनिमल्स के ऊपर देखा, वो रिजल्ट हम लोग इस पानी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर आसानी से देख सकते हैं। और ये दूसरा है रिस्ट बेल्ट, और ये मल्टीपर्पज़ है, कहीं पर भी हमको दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथों में दर्द है, तो हम उसको रैप करके उसको लगा सकते हैं, या कुछ लोग कंटिन्यूस एनर्जी के लिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पर हाथ पे लगाया हुआ है, ऐसे उसको कट करके कंटिन्यूसली लगा के यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अभी ये पिलो है, जैसे हम लोग सोते हैं, जनरली पिलो का साइज़ यही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पिलो हम लोग लेते हैं तो गर्दन में गैप आता है, स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन अपनी अपनी आदतें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो हम लोग अपने पिलो कवर्स में इसको इंसर्ट करके ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी मैग्नेट्स डाले हुए हैं। और बाकी अभी ये मैट्रेस है, ये मैट्रेस अपने घर में जो मैट्रेस लगी हुई है तो उसके ऊपर हमें इसको बिछाना है और उसको यूज़ करना है, तो सिर्फ उसको हमको कॉटन का कवर लगाना है, डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके जो मैग्नेट है ये 25 साल तक पावर दे देंगे, लेकिन इसका कॉटन कपड़ा उसमें स्मेल आए, ख़राब हो जाए, चाय गिर जाए, तो वो यूज़ेबल नहीं रहेगी, इसके लिए उसको कॉटन का कवर लगाना है और उसको आराम से यूज़ करना है। तो इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट्स आपको आसानी से यूज़ करने के लिए अवेलेबल करके दिए हैं, तो इसलिए फिर से एक बार मैं सागर सर का धन्यवाद करूँगा कि वह आपने बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको प्रोडक्ट दिए है। तो सिर्फ अभी इसको इस्तेमाल कुछ लोग नहीं कर सकते, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊँगा कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उनको हम लोग नहीं बोलते इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जब न्यू बेबी बॉडी में जन्म लेता है तो बीपी शूट होता है, बॉडी के बहुत सारे कंटेंट्स प्लस माइनस होते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो उस वक्त इसका असर जो है इतना ट्रिमेंडस है कि इवन हम लोग देखा है कि जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे उनको भी काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला है। नींद तो ऐसी अच्छी आती है कि पहले दिन आप किसी भी पेशेंट को बोल सकते हैं आप नींद की गोलियाँ बंद करो, इतना रिलीफ इससे मिलता है। तो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक है, हम लोग उसको देखेंगे, अपने बॉडी में भी जो है ना हार्मोन्स कंटिन्यूसली सीक्रेट होते रहते हैं, उसको एनर्जी प्रॉपर मिले, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मिले, तो अपने सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन्स प्रॉपरली सीक्रेट होते हैं, तो नींद आपकी प्रॉपरली आ जाती है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को यूज़ नहीं करना है। बाद में जिसके हार्ट में पेस मेकर बिठाया हो तो इट्स ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैग्नेट के संपर्क में आने के बाद खराब होने के चांसेस होते हैं, इसके लिए उनको यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से इंसुलिन पंप कुछ लोगों को बिठाया रहेगा तो इट्स ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उनको यूज़ नहीं करना है। और अपने कोई भी इक्विपमेंट्स है, मोबाइल्स, कैलकुलेटर, ये इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं रखना है, लंबा रखना है। और इस मैट्रेस को जो आपने देखा है धोना नहीं है, धोएंगे तो उसका पूरा मैग्नेट का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा और मैट्रेस ख़राब हो जाएगी। और इसी तरह से इसको ज़्यादा हीट से लंबे रखना है, इसके ऊपर कंटिन्यूस इस्त्री करेंगे या इसको धूप में कंटिन्यूस 8-10 घंटा रखते रहेंगे रोज़ तो उसकी पावर कुछ हद तक कम हो सकती है। तो ये बहुत ही ट्रिमेंडस सिस्टम है जो आपको बहुत ही एक सिंप्लीफाइड करके आपको यूज़ करने के लिए दिया है। तो मेरे तो हज़ारों पेशेंट है वर्ल्ड वाइड जिन्होंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके उनके लाइफ में काफ़ी राहत पाई है, तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग इसका इस्तेमाल करके और अपने लाइफ में खुशहाली ले सकते हैं। जैसे एक बात है कि इस धरती पर जो भी जन्मा हुआ इंसान है वो कभी न कभी मरने वाला है, लेकिन पेन इज़ ए अननेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जितना दिन जिएंगे दुख दर्द बीमारी के साथ जीना चाहिए, दिस इज़ नॉट द रूल। तो उसको रिलीफ करने के लिए बहुत सारी पैथीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ और अदर पैथीज, तो उसमें भी एक बेटर है, बेस्ट और एटो मोड के ऊपर है, इसके लिए आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो भी ट्रीटमेंट चलती रहेगी उसके साथ भी यूज़ करेंगे तो उसका भी रिजल्ट आपको बेहतरीन आता है। तो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल एंड मार्वलस प्रोडक्ट। तो आपने मुझे यहाँ पर मेरे कुछ रिसर्च बताने का मौका दिया, तो थैंक यू वेरी मच।